दोस्तों स्वागत है नए व्लॉग में। अभी कुछ ही देर में हम बालाराम टेंपल से अभी वापस घर की ओर जाने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम वापस जा रहे हैं बालाराम में। शंकर भगवान के दर्शन किए और बहुत ही अच्छा अनुभव मिला हमें। ध्यानी और माहिर ने रेत में बहुत खेला है और अभी ध्यानी तो वापस जाने का नाम नहीं ले रही। ध्यानी चलो बेटा आवे। सामने जो आप वाइट कलर का रिसोर्ट देख रहे हैं वो बालाराम रिसोर्ट है, जहाँ पर सूर्य वंशम अमिताभ बच्चन की फिल्म की यहाँ पर शूटिंग हुई थी, जो टीवी पर कई बार आ चुकी है। तो वहाँ पर भी हम कई बार जाते हैं, जहाँ की एंट्री टिकट 200 रुपये है और वहाँ भी बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। मेरी पूरी फैमिली गाड़ी में बैठ चुकी है, लास्ट में मैं और ध्यानी अभी जा रहे हैं, क्योंकि ध्यानी को तो यहाँ पर अभी भी खेलना था, तो उसे समझा कर अभी हम वापस ले जा रहे हैं। माहिर और ध्यानी रेत में बहुत सारे खेले, घर जाके उन्हें नहाना पड़ेगा और कपड़े भी बदलने पड़ेंगे। अभी संध्या टाइम हो चुका है और कुत्ते सारे सो चुके हैं। बहुत ही शांत वातावरण है। जाते टाइम फिर से हम एक बार मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर पालमपुर की ओर आगे जाएंगे, और वहाँ पर अन्नपूर्णा होटल में अभी खाने का प्रोग्राम बनाया है, तो काठियावाड़ी खाने वाले हैं। तो आपको फिर से मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर जो पानी आता है वो जो शिवलिंग में पानी आता है वही पानी है। ये पानी पर्वतों से हजारों सालों से आ रहा है। जितनी बार भी दर्शन करें उतनी बार शांति मिलती है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो अभी वापस जाने का टाइम आ चुका है, तो सब लोग जा चुके हैं। आखिर में मैं अभी लास्ट सीन शूट करके वापस जा रहा हूँ। जाते टाइम ध्यानी ने कुछ खिलौने देखे, तो अभी उसकी मम्मा और दादी ध्यानी के लिए और माहिर के लिए कुछ खिलौने ले रही है, और बाकी के फैमिली मेंबर गाड़ी में बैठ चुके हैं।
तो दोस्तों अभी हम पालमपुर में पहुंच गए हैं माँ अन्नपूर्णा काठियावाड़ी होटल में डिनर करने के लिए। ये होटल पालमपुर हाईवे पर ही है, कॉलेज रोड पर ये होटल मिलेगी आपको। जब भी आप पालमपुर में आए तो ज़रूर से यहाँ पर खाना खाएं, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। एक दो बार हमने खाना खाया उसके बाद तो पालमपुर में अभी हम यहाँ पर ही खाना खाते हैं। और बच्चों को खेलने के लिए झूला और लपसणी भी है, तो बच्चों को भी यहाँ पर अच्छा लगता है। खाने में हमने पापड़ और मसाला पापड़ मंगवाए हैं। मैंने अभी रोस्टेड पापड़ ही खाया, साथ ही में हमने 4-5 सब्जी मंगवाई थी, उसका भी आपको रिव्यू देने वाला हूँ। साथ ही में वो लोग प्याज और हरी मिर्च भी देते हैं। तो सबसे पहले हमने मंगवाया बैंगन का भरता, लहसुन की चटनी, आलू की सब्जी, हल्दी की सब्जी, सेव टमाटर और दही फ्राई। और मैंने 2 परोठों का ऑर्डर दे दिया था। खाने की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। तो पहली बार हमने जैसे खाया था वैसा ही टेस्ट इस बार भी हमें मिला, तो बहुत ही अच्छा खाना खाया। उसके बाद हम सब ने सिंगोड़ा पान खाया और फिर अभी हम डीसा की ओर वापस जा रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें।